तुझे पता है इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लिक्विड कौन सी? पानी? 2 साल पुरानी विस्की? लिक्विड गोल्ड? तो फिर क्या है भाई? स्मृति मंधाना के आंसू, जिसके अंदर सिर्फ 1% पानी होता है और 99% फीलिंग होती है। इसलिए किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना, 100 बार सोच लेना। मुझे पता है भाई, आरसीबी के लिए टूर्नामेंट थोड़ा सा खराब रहा है, बट आपका भाई आ गया है। आपका भाई मतलब आरसीबी की टीम का भाई नहीं, आपका भाई आ गया है यहाँ पर बदला लेने के लिए सबकी तरफ से भाई। स्मृति मंधाना, हैदर नाइट, एलिस पेरी, पूरी आरसीबी की टीम्स के लिए, आरसीबी फैंस की तरफ से। बट देखना है कि क्या आरसीबी का जो बैड लक है, लक तो नहीं कह सकता, बैड लक जो है क्या इस गेम में भी दिखाई देगा, क्योंकि इसमें आ चुका है WPL का अपडेट। और हाँ, WPL हमने ऑलरेडी अनलॉक करा दिया था हमारी लाइव स्ट्रीम में, तो हम सीधा गेम करने जा रहे हैं। हमारे सामने होगी मुंबई, उसका फैन बहुत हंस रहा था ना पीछे, बताता हूँ उसको मैं मैच में। तो फाइनली हमने वुमेंस NPL पे क्लिक किया हुआ है, कुछ ऐसा एनिमेशन आ रहा है। WCC की एक बात माननी पड़ेगी, जो इनका प्रोमो है ना, जो इंट्रो है ना, जो भी बंदा बनाता है या जो भी बंदी बनाती है, गजब बनाते हैं। तो ये आ गई हमारी टीम, आपको ऑलरेडी पता है हर टीम किससे इंस्पायर है। ये होगी हमारी आज की टीम, RCB से इंस्पायर टीम है ये, RCB WPL की सीरीज से, तो हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैचेस आ गए। एक चीज़ आप देखो, बाकी गेम्स से अलग है, इसमें स्किप टू योर मैच का ऑप्शन आ रहा है, जनरली टूर्नामेंट्स में मेरे ख्याल से नहीं आता था। पुराने वाले जो वर्जन थे उसमें सीधा आपका मैच ही सिर्फ लिखा आता था, ये सारे मैचेस का नहीं लिखे आते थे मेन स्क्रीन पे। ठीक है, हमारा पहला अपोनेंट है फिनिक्स, जो कि आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो गुजरात से इंस्पायर। एक्चुअली मैं देखा नहीं, मैं खाली लोगों देख के कह रहा हूँ, एक्चुअली मतलब मेन स्क्रीन पे मैंने नाम नहीं देखा। कोई नहीं, अहमदाबाद के मैच में रखा है, हम लोग डेड पिच पे रखा रहे हैं मैच, रात का वक्त है, 7:30 के बाद ही मैच चालू होते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। इंग्लिश कमेंट्री मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू, तो स्किप करेंगे हम लोग। कुछ इस तरह की यूनिफॉर्म्स हैं, तो आप नज़र मार सकते हो भाई। लेकिन एक अजीब चीज़ है, इसमें शेफाली वर्मा है, मतलब ये दिल्ली से इंस्पायर टीम है, और ये हमारी टीम है। इसमें ये किसको, रिंकू सिंह को? अरे सॉरी, रिंकू सिंह नहीं होंगी, बट हमारी कैप्टन तो भाई स्मृति मंधाना ही होने वाली है, और रियल में भी हैं। चीज़ बता दूँ, इसमें कोई डिफिकल्टी ऑप्शन नहीं आया था, तो जो है डिफॉल्ट है यही है। स्पाइडरमैन कैम आ गया भाई यहाँ पर, स्पाइडर कैम नहीं है, तो नीचे वाला है। रोहित शर्मा गुस्सा आ गया था भाई टेस्ट मैच में, ODI में। इसी के साथ टॉस खत्म हो गया, हम ले रहे हैं बॉलिंग, हम जाएंगे रन चेज के साथ। तो एनिमेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, जैसा टीम आप देख सकते हो, जो एनिमेशन बाकी मोड्स में आते थे वैसे ही हैं। वर्ल्ड कप वाला मोड के एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त है, बट उन्होंने इस मोड में वो एनिमेशन नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा सा खराब लगा है। देना चाहिए था, मतलब दे सकते थे चाहते तो। ठीक है, और आ गई है हमारी पोजीशन की, अब बताता हूँ मैं इनको, सबका बदला है, माई का बदला स्पेशली लेना है। कप्तान ही आई है पहली गेम के लिए। एक लाइक कर दो यार सब लोग जो कि WPL फैंस, क्रिकेट फैंस भाई, स्पेशली शेफाली वर्मा फैंस, स्मृति मंधाना फैंस, एलिस पेरी फैंस, लेट्स गो भाई, पहली गेम पे बोल्ड, क्या बोलती पब्लिक, लेट्स ट्राई करते हैं। स्लिप वाली फील्डर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच के लिए। वार्म अप खत्म, एक्शन बिगिंस, वर्मा वर्सेस सिंह, और पहली गेंद पे बैक फॉर डिफेंस। तो आ रही है गेंदबाजी में एलिस पेरी, लेट्स सी इस गेम में कैसा करती हैं। लुक तो आप देख ही सकते हो इस गेम में कैसा है, आई थिंक इंडियन लुक दिया गया है। और सामने है दीप्ति, और रॉड्रिक्स भी है सामने, ओके डिफेंसिव शॉट। एक्चुअली ये एलिस पेरी लग रही थी पीछे वाली, फुल लेंथ पे बोल्ड मारे हैं, ऐसे तो वुमेंस में मारा था भाई, हैदर नाइट की नहीं जबरदस्ती, सॉरी हैदर नाइट नहीं, आज मेरे दिमाग में हैदर नाइट पता नहीं क्यों है। सॉफ्ट डिवाइन की इनिंग बहुत जबरदस्त थी, RCB की 99 पे आउट हुई थी। बाकी हमारी निगाहें होंगी बोल्ड करने की तरफ, स्लिप इतना दूर क्यों है, कीपर इतना आगे क्यों है, और ये इतना धीरे क्यों खेल रही है भाई, समझ नहीं आ, इनको भी समझ नहीं आ रहा। WPL का गेम प्ले कितना टफ है अभी आपके सामने पता लग जाएगा, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो भी इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है, क्यों क्या कैसे वो अभी आप AI को देखो, डिफिकल्टी को देखो, सामने वाला कैसे खेल रहा है, बॉलिंग बैटिंग कैसे कर रहा है, एक एक रन निकाल रहे हैं अभी तो। मेंस क्रिकेट का बाउंसर, अय्या क्रॉस बैट से डिफेंस, हाँ सब अलग अलग चेहरे, फाइनली पिच, फिर रन आउट गई अंडर आर्म, वो राम दिया तो भी नहीं आउट कर पाई, मतलब आउट नहीं था। तो लाइन शूट आई है बॉल शूट करने के लिए, स्क्वायर लेग पे शॉट, ये लगाओ भाई स्क्वायर लेग से इस गेम का बहुत भारी पड़ता हो एज अ क्रिकेट फैन भी, और दो नहीं एक रन से क्वेश्चन। रॉड्रिक्स 54 पे, अब तो घुमा दो यार, लॉफ्टेड बोल रहा हूँ तब तो कसम खाइए कि लॉफ्टेड बोलेगा ये बंदा तब तो पक्का इसको ग्राउंड शॉट लूंगी। इसमें 54 आती हुई गेंद फ्रंट फुट पे पुश, मैं देख नहीं रहा भाई ये गेंद, मैं बिना देखे डाल रहा हूँ, हाँ मतलब पिच देख लो खाली, बाकी देख नहीं रहा,
क्या होगा मुझे नहीं मालूम, प्लीज कुछ बड़ा मारना, अब तो देख भी नहीं रहा हूँ मैं, क्या हुआ? ऐसा लगा बीट हुई, आवाज़ नहीं आई मेरे को कुछ भी। हाँ डॉट गई है पिछली गेंद, जैसा कि हम देख सकते हैं वाइड यॉर्कर, अब तो ऑफ स्टंप खेलना ही होगा, कुछ भी हो जाए गैप नहीं बनाने दे रही आरसीबी, फुल बदला दे रहा है भाई WCC3 में, आरसीबी इज कंप्लीट अपोजिट। डॉट कर ऑफ स्टंप पे शॉट, गैप गया, नहीं तो ये भी डॉट के दर्शन होने वाले, थोड़ा गलत थोड़ा दे रहा हूँ जान मुझे, क्या दो लेंगी, कोई मूड ही नहीं है, लेना ही नहीं है। बट एक बात है यार, आरसीबी का बदला पूरा हो जाएगा अगर हम जीते तो, क्योंकि बैटिंग अभी बाकी है, पैरों बैट पे लगने पे अपील कर रही है। ए भगवान, इस समय मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, अगर आपको बताओ मैं DRS भी लेना हूँ, वूमैन DRS का इशारा भी कर दिया है। ओह माय गॉड, नाइट सर पकड़ने की, कहाँ आ गई मैं, और अगर आउट हो गया तो क्या होगा भाई, मेरे सारे रिएक्शन की ऐसी की तैसी, ऐसे तो बैट लगा है वो आउटसाइड लैग है। अंपायर को सल्यूट है भाई, कम से कम सही रिव्यू दिया इन्होंने, फीमेल अंपायर है ना, दिखना नहीं, मेल ही अंपायर, वही अंपायर है भाई, तो बेचारा ओवर टाइम मेहनत कर रहा है फिर भी रिस्पेक्ट नहीं भाई। वन लाइक फॉर बेचारा अंपायर, जो आपको करियर मोड में, इंटरनेशनल मैच में, लीग मैच में, डोमेस्टिक लीग में, सब में बेचारा दिखाई देता है, डॉट डॉट डॉट, उनको यकीन नहीं हो रहा बॉलर को कि मैंने इतनी अच्छी गेंद कैसे फेंक दी। अरे स्टंप तो कोई लगा दो, अंपायर भी उधर जा रहा है, उसको भी पड़ी नहीं है। मैं नहीं करूंगा भाई काम, कम ऑन रॉड्रिग्स, अरे मैं तो आरसीबी वाला हूँ ना, फिर भी सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि बैटिंग करने को मिले ज़्यादा देर तक, बट नहीं, फिनिक्स ने हार मान ली कि भाई आरसीबी इज द चैंपियन इन WCC3। दो ओवर में 22 दिया है, 21 दिया है, खुद भी सोच रही हूँ कि पता नहीं कौन गेंदबाजी कर रहा था AI vs AI में। ज़्यादा पता है राहत किसको है, बेचारे वीडियो एडिटर को जो एडिट करता है हाईलाइट्स, वो कुछ आ ही नहीं रहा हाईलाइट लाइक, कम ऑन यार, एक शॉट 12-8 गेंदे बाकी, और बोलने पे तो बिल्कुल नहीं लेती, बोलने पे तो डिफेंस कर रही है फ्रंट फुट, मेरे को नहीं मालूम मैंने किसको दे दी होगा। चलो देखते हैं अभी, ये प्रिपेयर तो ऐसे हो रही है जैसे इस गेंद पे तो छोड़ मार ही देंगी आसमान के पार, मैक्सिमम जाने वाला है, एटीट्यूड ऐसा था, ग्लव्स वो टाइट वाइट कर रही थी, अब प्लीज़ फ्रंट फुट डिफेंस मत करना। चलो कम से कम फ्रंट फुट डिफेंस नहीं किया है, सिंगल निकालती हुई स्विफ्ट से, टॉप स्पिन फास्ट आगे बढ़ी, फ्रंट बैक फुट डिफेंस के लिए, अबे यार ये क्या है। चलो भाई ये 152 भी मार लें तो बहुत होगा, बोला ना, अरे रन आउट फाइनली भाई, रिप्ले वाले भाई तैयार हो जाओ, फिर फाइनली कुछ हाईलाइट रिप्ले विप्ले दिखाना है, कब से इंतजार कर रहा था इस मोमेंट का कि कब मौका मिलेगा हाईलाइट देखने का इस गेम की, फाइनली वो पल आ गया है जहाँ पे इन्होंने क्या बढ़िया सा कट मारा था रनिंग में, पता नहीं क्यों इन्होंने ना बोला पहले, बाद में जब गेंद पहुंच गई, जब वो थ्रो के लिए रेडी हुई, पावर, अब पावर के थ्रो से कैसे बचोगे भाई, मुश्किल है भाई, नहीं बहन सॉरी। और बहुत एफर्ट, जमीन के अंदर मुंह जा चुका है बट क्रीज के अंदर नहीं आ पाई, हार्ड लक। कौन आउट हुआ, रॉड्रिग्स, डायनामाइट फट गया भाई यहाँ, स्मॉल डायनामाइट, लास्ट गेंद खेल रही है बाटिया, सही में बाटी ओके, बाटी ने खेला स्क्वायर, 151 पे रुक रहा है, इजी चेज लग रहा है, आई थिंक अकेले मंदाना ही कर जाएंगी अगर चल गया इनका सब कुछ तो, बेकार बैटिंग भाई, डिसअपॉइंटिंग। AI कंटिन्यू रहा है, मतलब AI में कुछ चेंज नहीं है, डिफिकल्टी आप सेट कर नहीं सकते, तो दिस इज द हाईएस्ट डिफिकल्टी इन WPL 2023 NPL में, मतलब जो इसका NPL वर्जन है वुमेंस का उसके अंदर, बाकी 152 इजी चीजें आ रही हैं, मंदाना विद अदर नाइट, नहीं एलिस पैरी के लिए भाई, आई थिंक आप लोग इस जोड़ी को चाहते होंगे ना ओपनिंग में, देखना हियर इट इज, ये देखिए भाई लेफ्ट हैंड बैटर तैयार है, और हम तो नहीं छोड़ेंगे, मैं तो मारने वाला हूँ, और यहाँ एलिस पैरी भी है, दोनों तरफ से अटैक, पहला काम लॉक पे क्लिक, थोड़ा सा बेहतर और पहला ही शॉट चार, यहाँ आपको मजा आने वाला है भाई, यहाँ पे तो इतना भयंकर अटैक होगा मेरी प्लानिंग के हिसाब से, फट जाएंगी आंखें, फिर से गाड़ी एक सिक्स लगाना, ओ पहली बात तो मैंने सोचा नहीं था कि स्लिप में कैच होगा, मैंने ऐसे पहले देखा भी नहीं था कभी स्लिप में इस तरह के शॉट पे आउट होते हुए इनको, ये चीज नहीं देखी मैंने WCC3 में, इसका रिप्ले मैं आपको दिखाऊंगा मस्त वाला, अरे ए, ये तो निकल, अरे ऐसा लगा आर पार चला गया था बट बाद में पकड़ा, मतलब अपने आप रुक ही गया ऐसा लगा एनिमेशन में, आउट हो गई है हैदर नाइट, इनका मैंने शॉट डाला था, गजब शॉट मारा था इन्होंने क्रिकेट 22 में, अब देखते हैं WCC3 में क्या करती है, हम तो अटैक करेगा भाई, हाँ बार बार मत आउट हो जाना, ठीक है, चार चार चार, नहीं जा रहा, ओ ये क्या डाइविंग एफर्ट था,
जो भी था रोक लिया, बड़ी बात है। 140 और टाइमिंग, लंबा इंतजार सिक्स के साथ जोड़ते हुए इस रनों को, सिक्स डॉट सिक्स, इच्छा पूरी स्विप शॉट के साथ पैरी के बल्ले से। इस बार कुछ भी हो जाए फील्डिंग, हाँ गुड शॉट, अरे 38 बीट करना इंपॉर्टेंट है इस गेम पे, पैरी ने वो काम किया है। चार बातचीत कर लो, अब मैं नहीं रुकने वाला, जीतेंगे जीतेंगे इस बार, से भी जीतेंगे भाई। एक और सिक्स लीजिए, बोला और करके दिखाया हमें पैरी का। यहाँ पर छोटी मीटिंग आ गई है, नहीं करेंगे हम, नहीं रुकने वाले, छोड़ेंगे नहीं। बॉल अच्छी है बट रिस्क भी हम फुल लेते हुए, और गैप में चार। हाँ अब ये एनिमेशन लगा कि भाई अब कुछ सही था, स्विप में ऑलरेडी अटैक दिखा चुकी हैं, इस बार थोड़ा सा मिस हुए। हैदर नाइट ने बाउंड्री लगाई है, पहली ओवर में 18 आए थे मेरे दिमाग में, अब 18 बैठ गया है। और सिक्स लीजिए थर्ड मैन से, यही एक कमी बाकी थी। सिक्स ओवर्स का परफेक्ट, जितना वो पावर प्ले है ना यूज कर लो, यूज कर रही हैं प्रॉपर। हेलीकॉप्टर चार 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 चार, नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट अब पिछली अपडेट में आउटफील्ड में कुछ चेंजेस किए हैं डेवलपर्स ने, जिसके कारण गेम उतनी स्पीड से नहीं जा रहा है। देखो मैं चाहता हूँ कुछ अलग शॉट लूँ, बट आज रिवेंज वीडियो है तो आज हम नहीं, जो बेस्ट शॉट लगेगा वही लगाएंगे। सिक्स कवर परफेक्ट लीजिए, फर्क नहीं पड़ रहा चाहे कवर मार, लेकिन चार गया यहाँ पे परफेक्ट होने के बावजूद। रिवेंज की वीडियो जो थी ये एक्चुअली में आरसीबी के लिए थी, ये भी बता दूँ, मंदाना सर ने शुरुआत जरूर की थी बट वो आउट हो गई हैं, बट पैरी और नाइट लगी हैं बराबर के रन बनाने में। प्लीज आउट मत होना बस, बाकी तो सब फर्स्ट क्लास ही है। 4-4-4-40, मैं चाहता हूँ 100 बने, थोड़ा मुश्किल है बट क्योंकि दोनों अटैक कर रहे हैं। कितना पैरों पे डालोगी यार, आप तो पकड़ ही लिया पैर यहाँ पे, और रिजल्ट भी कुछ का चेंज नहीं हो रहा। चौके चौके चौके, ये दोनों बात कर रहे हैं, एक तेरा ओवर एक मेरा ओवर, हम दोनों एक एक ओवर खेलने वाले हैं। गेंदबाज सोच रही मुझे कहाँ थमा दी गेंद, मज़ा आएगा ये देखने में। पावर प्ले तो जाएगा, पावर प्ले के तो पार हम जाएंगे चाहे कुछ भी। टू लेट, सिंगल ले रही हैं और अपने 50 का बलिदान देती हुई नाइट, पैरी के ऊपर जिम्मेदारी है कि अब 100 या 50 तो करेंगी, 66 है रन बाकी, उसमें से 54 करने होंगे अकेले। और हम आप पहले अपना 50 पूरा करो, फिर गेंद कुछ अलग ही स्लो आ रही है। मैं झूठ नहीं कहूँगा बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं लग रहा था ये गड़बड़ ना कर दें यार, मैं स्ट्राइक रोटेट करके इसीलिए नहीं खेलता। बहुत ख़राब यार, बहुत ख़राब। इनकी गेंदें भी कुछ अलग ही आ रही हैं, स्लोअर तरीके की, कुछ ज़्यादा ही धीरे डाल रही हैं। कैच, अबे ये कैसा कैच था, एनिमेशन देखा होगा तो समझिए। अरे मुझे क्यों मार रही हो, मैंने बोला इसके लिए मुझे क्यों मार रही हो यार, मैं तो बोलूँगा जो सही है वो। थर्ड मैन, वो स्लिप में धोखा मत देना, और धीरे गेंद आएगी याद रखना। इंतजार किया, लेट शॉट, चार देगा लेकिन ये, अरे हाँ डाउट हुआ एक समय तो बट कर गई पार। थर्ड मैन, लेकिन ये वो स्विच नहीं होगा शॉट, ये वो सिंपल लेंगे। सिक्स प्लस नो बॉल, अरे भैया जान बुझ के नो बॉल दोगे, 50 मत कैंसिल करवा देना नाइट का। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सामने की तरफ शॉट जो मैंने लिए ही नहीं हो भाई, ये किसकी याद दिला दी, तो गोल्ड शॉट याद आ गया मुझे RC22 का, बैट के सामने की तरफ मारा है ना, अबे कैमरे की ऐसे की तैसे ये बर्बाद कर दिया इस वीडियो। ये 20 रन अगर नाइट ने कर लिए होते तो अभी 50 हो गया होता, फर्स्ट 50 होता। अर्ली शॉट, मैं रन नहीं दौड़ा रहा, चार रन ऐसे ही मारते हैं इन्होंने। कोशिश करनी है इस ओवर में 50 लगाने की, मुझे नहीं मालूम अगला मिलेगा कि नहीं। ये फोन, ये नॉर्मल आउटफील्ड रिएक्ट किया, नॉर्मल शॉट रिएक्ट किया है, पावर प्ले का भी लास्ट ओवर है इसलिए थोड़ा संभाल कर। 4-4-4 50 पे बनौती है इसलिए बच के, थोड़ा सा जल्दी, ओ बहुत जल्दी हो गया बट गैप चला गया, रुक रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, बट नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ आउटफील्ड अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है तो बराबर नहीं है भाई आउटफील्ड की कोडिंग में। दो बिग हिट और बस, ज़्यादा नहीं, अभी बैकफुट शॉट है इस, फ्रंट फुट नहीं खिलाना, चलो कोई बात नहीं। अभी 47 और यहाँ पर अर्धशतक होगा कंप्लीट, रनिंग से कर लेंगे, टेंशन नहीं है। अच्छा वही RC22 नहीं है भाई, हाँ जिसमें बग आ गया है गेम में भाई, RC22 फैंस, अरे एक रन बाकी है, ट्रिगर हो जाएंगे भाई अगर मैं कहूँगा कि भाई इस मामले में सेलिब्रेशन के मामले में एटलीस्ट WCC3 इज बेटर। 50 पूरा किया है यहाँ पे चौके के साथ भाई, RC22 होता तो भी सेलिब्रेशन तो आता ही, हाँ भाई यहाँ पे 50 पूरा,
नाइट का, कहाँ हम एलिस पैरी और मैंने नाइट का नाम लिया था तीसरे नंबर पे, तो ऐसा मत समझना कि नहीं भाई मैंने नाइट का नाम नहीं लिया था, उनका भी नाम लिया था। और ये क्या हो रहा है, आसमान से बिजली कड़कती हुई, पर यहाँ पे तो रनों की बिजली कड़कती है भाई, जरूरत नहीं है बारिश देवता के आने की, बट कह रहे हैं कि अगर ये ओवर सर्वाइव कर जाएंगे तो आएंगी शायद बारिश। बहुत दिनों बाद मैंने ये एनिमेशन देखे, तो एक समय था करियर मोड पे हम हर रोज देखते थे, आते ही सिक्स मार दिया। मैं होल्ड करूंगा लेकिन ओवर, गलती से अगर चला गया तीन छक्के तो बात अलग है, तैयार हूँ भाई, गलती से भी छक्के मारता हूँ मैं इस गेम में, आई एम अ प्रो। हमने एक भी नहीं मारा है ना, ठीक है, मरीजाने कैप आई है, ओ हो हो, स्ट्रेट फोर कासट का, कस 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 के कसाट, साथ में 34 देख रहे हैं वो उसको, वो उनको 6, गुड शॉट, 4 गया है, हाँ 4 गया है, एक चौका और चाहिए जितने के। और ये देखिए घबराती हुई, डरती हुई, बट भाई घबराने की कोई टेंशन नहीं, मौसम बदला है, हम भी बदल गए हैं, बताता हूँ कैसे, पब्लिक शॉक, अब हम ये ओवर सर्वाइव करेंगे, बारिश का इंतजार करेंगे। हाँ गुड गुड वेरी गुड, ओ गिरने लगी बारिश, कितने दिनों बाद WCC 3 में बारिश हुई है यार, वो भी गर्मी के मौसम में, रिकॉर्ड डिफेंस। अब ये डिफेंस करने के बाद एक दूसरे को क्यों थम्स अप कर रही है, समझ नहीं आया मुझे, कोई बताएगा लॉजिक। बारिश आ गई भाई, ओवर समाप्त है, एनिमेशन का इंतजार रहेगा, एम्पायर सबसे पहले डरते हैं, सबसे पहले बातचीत करते हैं, अरे दैया अब क्या होगा भैया, घर जाएंगे तो मार खाएंगे, दोनों एक जैसे ही हैं, अबे जुड़वा और भाई फ्रॉम अनदर मदर, ऐसा हो नहीं सकता, पर इसमें चेहरे की स्किन क्यों अलग है दोनों की, चल भी एक जैसा रहे भाई दोनों, और ये इनको बहुत जल्दी है, पनवेल तो नहीं निकलना ऐसे भी, मेरे को ये देखना है डकवर्थ, तो इसके हिसाब से तो हार जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 रन बाकी हैं। अब गेम के लॉजिक की देखिए, परीक्षा देखिए क्या होगी, अरे यार 750 पॉइंट चलेंगे यार, लाइक कर देना यार वीडियो पे, यू हैव वन द मैच बाय डकवर्थ लुईस भाई, यही मैं देखना चाहता था, इस गेम का दिमाग कितना अलर्ट है, बहुत अलर्ट है, 1, 2, 3, ये तीन भी तिड़ुआ भाई है भाई यहाँ पे, बट बदला जो है हमारा पूरा हुआ है, जो भाई साहब शुरू में रो रहे थे कि आंसू में 99% फीलिंग होती है, एटलीस्ट WCC 3 में वो फीलिंग देखने को नहीं मिली है। तो ये तो भाई हमारे WPL का गेम प्ले, अगर आपको बाय करना है तो 149 कॉइंस में आप बाय कर सकते हो प्लेटिनम देके, प्लस अगर आपको लगता है कि आपको परमानेंट प्लेटिनम नहीं है, आप रुपए देके लेना चाहो तो वो भी दे सकते हो, तो आपकी मर्जी भाई, लेना है तो लो, बट इस तरह का गेम प्ले होता है, इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, आगे पीछे आप बढ़ते रहना है, आपने कप सेलिब्रेशन भी होता है जब आप सारे मैच जीत जाओगे तब। अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो पे लाइक जरूर करना, कमेंट कर देना कुछ हो, सजेशन अच्छी लगी हो, हौसला बढ़ जाएगा भाई मेरा पढ़ के, बाकी बाय बाय, टाटा गुड डे।